नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस फिल्म की जो जब से बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है, ये फिल्म अपने आने वाले हर दिन के साथ एक नया रिकॉर्ड बना रही है और पुराने सभी रिकॉर्डों को तोड़ती हुई भी नजर आ रही है। बात कर रही है शाहरुख खान की फिल्म पठान की। बता दें कि पठान बड़े पर्दे पर 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म अपने सातवें दिन में भी ऐसी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। लेकिन यहां पर बात फिल्म पठान की नहीं करेंगे बल्कि बात करेंगे तमाम उन सियासी दाइयों की जो इस फिल्म को बैन करने की बात कर रहे थे, इस फिल्म को बायकॉट करने की बात कर रहे थे, क्योंकि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण जो लीड एक्ट्रेस के तौर पर इस फिल्म में नजर आई, उनकी एक बिकनी के कलर की वजह से इस फिल्म को बायकॉट करने की बात की जा रही थी। हालांकि जिस गाने में दीपिका ने ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी, जिसे केसरिया नाम यहां पर दिया जा रहा है सियासी दाइयों की ओर से, उन्होंने शायद ये नहीं देखा कि इस गाने में दीपिका पादुकोण ने और भी कई रंगों की बिकनी पहनी है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट की डिमांड है, वो उस गाने की डिमांड है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लगातार इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद छड़ा और यहाँ पर ये भी देखने को मिला कि कई थिएटर्स में तो हंगामा मच गया, यानी कि वहाँ पर तोड़फोड़ होने लगी कि ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। लेकिन फिल्म जो शानदार कमाई कर रही है, पठान फिल्म की सक्सेस कहीं ना कहीं उन हर एक कह सकते हैं नेता पर जिन्होंने इस फिल्म को बायकॉट करने की बात की थी, मांग की थी, एक बहुत बड़ा करारा जवाब है। और ये बात कहते हुए नजर भी आ रही है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी। आखिरकार इस बयान को किस तरह से देखा जाए और ये कितना सही है, आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता मिश्रा। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। अंकिता, प्रोग्राम की शुरुआत सीधे और सटीक सवाल से करेंगे कि अखिलेश यादव का जो बयान सामने आया है कि इस फिल्म की सफलता आम जनता की सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे रही है और उन्होंने सीधे सीधे यहां पर भाजपाइयों की नकारात्मक सोच को करारा जवाब देने की जो बात कही है, ऐसे में सवाल मेरा आपसे यही है कि अखिलेश यादव का जो बयान यहां पर आया है नकारात्मक सोच को लेकर, इसे आप किस तरह से देखती है और क्या राजनीति और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना सही है? जी बिल्कुल, देखिए आपने नकारात्मकता की जहां बात की है तो ना केवल बीजेपी बल्कि उन तमाम हिंदू संगठनों के ऊपर एक करारा तमाचा है ये कि नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की गई थी एक रंग के जरिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी खुद सामने आए थे, क्योंकि ये जो सारे बयान दिए जा रहे थे फिल्म को लेकर के बायकॉट करने की बात की जा रही थी वो बीजेपी के कुछ चुनिंदा नेताओं के जरिए की जा रही थी और इसमें सबसे ज्यादा जो हाथ था वो हिंदू संगठनों का था। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री खुद सामने आते हैं, वो भी कहते हैं कि बेवजह की ऐसी बातों पर हवा ना दी जाए, फिल्मों को लेकर के कोई बात ना की जाए। इसके बाद थोड़ा जो विवाद था वो थमा था। अब ऐसे में अखिलेश यादव का ये बयान जो है वो दिखा रहा है कि आप कितनी भी नकारात्मकता फैलाइए मगर जीत हमेशा सच की होगी, जीत हमेशा सही की होगी। और ये जिस तरीके से फिल्म जो पूरी कमाई कर रही है, ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म बन चुकी है, ऐसे में अब जो हिंदू संगठन है जो लगातार इसका विरोध कर रहे थे, उन्हें ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि राजनीति अपनी जगह है और एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, इन दोनों को कभी भी एक साथ नहीं लाया जा सकता। और ये बात बार बार समझाने की कोशिश भी की गई है, पद्मावत से लेकर के पठान तक इन फिल्म की सक्सेस ने ये बता दिया है कि आप विरोध कर लीजिए मगर अगर फिल्म में जान है, अगर स्टोरी में जान है तो वो सक्सेस ज़रूर होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता आपका। कहीं ना कहीं अंकिता के इस जवाब से ये साफ उन लोगों को समझ जाना चाहिए जो अपने सियासी फायदे के लिए कहीं ना कहीं एक रंग को या एक दृश्य को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देती है। और ये चीज़ खुद शाहरुख खान भी समझाने की कोशिश करते हुए नजर आए पठान की सक्सेस इवेंट में। तो जाने से पहले आपको वो वीडियो दिखाएंगे कि आखिरकार
फिल्म पठान की सफलता के बीच शाहरुख खान क्या कुछ मैसेज यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं तमाम उन लोगों को जो इस फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे थे, तो उसके लिए देखिए ये वीडियो। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड आई वांट टू थैंक अनुराग फॉर हेल्पिंग अस आउट विद दिस एंड मेकिंग श्योर दैट वी हैव अ गुड इंटरेक्शन, आप लोगों से बात कर सकें, कुछ सवाल हैं जो आपकी तरफ से हैं, कुछ इनकी तरफ से हैं, उन सबका जवाब दे सकें। एंड सबसे अहम बात यह है, जो सबसे ज्यादा अहम बात है वो ये है कि जितने भी लोग इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सराहा रहे हैं, जिनमें से आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर देयर बट देयर लॉट्स ऑफ देम हु आर नॉट हियर, आज इस महफिल के जरिए मैं सिर्फ ऑन बिहाफ ऑफ दीपिका, ऑन बिहाफ ऑफ जॉन, ऑन बिहाफ ऑफ सिड, ऑन बिहाफ ऑफ आदि, डिम्पल जी, आशुतोष, all of them, I want to say a big thank you for the love that you all have given the film Pathaan. So, bahut bahut dhanyawad aapka. Dusri baat, hum log jo hain, isliye nahi, aur jo 11 log zyada baat kar rahe hain, please chup ho jaye. Maine, acha, jo 22 log zyada baat kar rahe hain, wo chup ho jaye. Jo 33 log baat kar rahe hain, ye kuch collection jaisa hone lag gaya. But I just want to say that हम तीनों इसलिए नहीं, कोई चॉइस से या किसी वजह से या किसी मकसद से, we have not met up with the media, it's not that. The film was shot during COVID. By the time we finished it, सबसे ज्यादा of course सिद्धार्थ और उनकी जो टेक्निकल टीम है, सारे बच्चे हैं, आदि and the production team had working very hard. But we also, because the film entails so much work, हम भी उसी में लगे हुए थे, तो किसी से मुखातिब नहीं हो सके, मिल नहीं सके, बट समवेयर डाउन द लाइन वी आर ऑल द सेम टीम, सिनेमा, मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, एंड एवरीबडी हैज शोन सो मच काइंडनेस टू द फिल्म। आई नो एवरीबडी इज नॉट हियर, बट ऑल ऑफ अस अगेन आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, फर्स्ट टू द ऑडियंस, सेकेंड टू ऑल द पीपल इन मीडिया फॉर सपोर्टिंग द फिल्म सो मच, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे माइट हैव बीन थिंग्स that could have curtailed the happy release of this film. I just want to say there's so much love from all sides and we can never show enough gratefulness. Not only us, the whole film industry, what is rightly or wrongly called Bollywood or the Indian film industry. I think we thank you on behalf of all our colleagues and friends in the film industry for bringing life back to cinema. So, bahut bahut aap sabka dhanyawad.